इस वीडियो सीरीज में हम सीखेंगे स्क्रैच नाम की एक फ्री सॉफ्टवेयर। स्क्रैच जो सॉफ्टवेयर है वो अमेरिका की प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी एमआईटी के एमआईटी मीडिया लैब्स द्वारा निर्मित है। ये सॉफ्टवेयर काफ़ी टाइम से है और अब इसका थर्ड वर्जन जो है वो अभी रिसेंटली रिलीज हुआ है। और ये स्क्रैच सीखने का फ़ायदा ये है कि स्क्रैच जो है वो एक, जिसको हम कहते हैं, ब्लॉक बेस्ड प्रोग्रामिंग है। यानी कि आपको प्रोग्रामिंग की कोई सी, सी प्लस प्लस, जावास्क्रिप्ट जैसी लैंग्वेज नहीं सीखनी है। सरल सी अंग्रेजी में इंस्ट्रक्शंस या कमांड्स लिखी हैं जो कि जो हमारे कैरेक्टर्स वगैरह हैं स्क्रैच में वो उसको फॉलो करेंगे। तो स्क्रैच यूज़ करके हम एनिमेटेड स्टोरीज बना सकते हैं, गेम्स बना सकते हैं। एक बार अगर हम स्क्रैच सीख जाएं, यानी हम ब्लॉक बेस्ड प्रोग्रामिंग से फेमिलियर हो जाएं, तो आज के दिन बहुत सारी जो नई चीज़ें हैं वो ब्लॉक बेस्ड प्रोग्रामिंग के आधार पर चल रही हैं। जैसे ये माइक्रोबिट नाम का एक माइक्रो कंट्रोलर है। माइक्रो कंट्रोलर एक छोटा सा कंप्यूटर होता है जो रोबोटिक्स और इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इस किस्म की चीज़ में बहुत काम आता है। तो माइक्रोबिट भी आज के दिन आप प्रोग्राम कर सकते हैं ब्लॉक बेस्ड प्रोग्रामिंग यूज़ करके, makecode.microbit.org। अगर आप स्क्रैच से फेमिलियर हो जाते हैं तो आप ब्लॉक बेस्ड कई और जो प्रोग्रामिंग है वो भी सीख पाएंगे आगे जाकर। तो स्क्रैच इस्तेमाल करने के दो तरीके हैं। स्क्रैच 3.0 जो है वो आप ऑनलाइन भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि वो स्क्रैच एक ब्राउज़र बेस्ड एप्लीकेशन है। ब्राउज़र बेस्ड एप्लीकेशन होने का फ़ायदा ये है कि चाहे आपके पास पीसी है या लैपटॉप है या टैबलेट है, आप अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है तो आप इसको, स्क्रैच को, ऑनलाइन टूल की तरह, ऑनलाइन फ्री टूल की तरह यूज़ कर सकते हैं। या अगर इंटरनेट प्रॉब्लम है और आपके पास पीसी या लैपटॉप है तो आप स्क्रैच डेस्कटॉप को डाउनलोड करके लोकली इंस्टॉल कर सकते हैं और फिर आपको उसको यूज़ करने के लिए आपको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे मैं अभी जो यूज़ कर रहा हूँ, मेरे पास ये स्क्रैच का डाउनलोडेड वर्जन डेस्कटॉप पर है, मैं वो यूज़ कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक दो चीज़ें दिखा देता हूँ जो कि आप इस तरीके की चीज़ें स्क्रैच में बना सकते हैं। जैसे मैंने एक ये छोटी सी एनिमेटेड स्टोरी बनाई है, ये इसके कैरेक्टर्स हैं यहाँ पर और ये इसकी प्रोग्रामिंग है। तो इस पे एक नज़र डालते हैं। तो ये एक छोटी सी कहानी है जो मैंने, एनिमेटेड कहानी है जो स्क्रैच पे बनाई, और इसमें हर चीज़, चाहे ये बैकग्राउंड है, चाहे ये कैरेक्टर है, कैरेक्टर की एनिमेशन है, साउंड, म्यूज़िक एक्सेट्रा, जो भी है सब कुछ स्क्रैच में ही है जिसको यूज़ किया है। एक और उदाहरण देखते हैं एक गेम का। तो ये एक गेम है जो आप बहुत आसानी से स्क्रैच में बना सकते हैं। इस गेम में ये एक डक है और जितनी बार स्पेस बार दबाओ ये डक जंप करती है और ये नीचे जो अंडे हैं ये आ रहे हैं, इनसे बचना है। ऊपर यहाँ स्कोर है और अगर डक जो है वो अंडे को छू जाती है तो गेम ओवर हो जाता है। तो ये एक और उदाहरण है। आप स्क्रैच अगर आप एक बार सीख जाएं तो इस किस्म के आप बहुत अच्छे गेम्स जो हैं वो बना सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं एक कुछ सरल सी चीज़ बनाकर। तो जब आप स्क्रैच लॉन्च करेंगे तो आपका इंटरफेस ये होगा। इस इंटरफेस के मुख्य भाग क्या हैं? सबसे पहले है ये कैरेक्टर हमारा, जो कि, जिसको कि स्क्रैच की भाषा में स्प्राइट कहते हैं। तो हमारे पास, हम यहाँ पे किसी भी किस्म के स्प्राइट डाल सकते हैं जो मैं भी आपको दिखाऊंगा। उसके बाद ये स्टेज है, यहाँ पर जो भी हम प्रोग्राम करेंगे वो यहाँ एग्जीक्यूट होगा और इस स्टेज में हम जो बैकड्रॉप है वो बदल सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे ऑलरेडी बनी बनाई बहुत सारी बैकड्रॉप्स हैं, तो अगर मैंने ये बैकड्रॉप चुना तो अब मेरी कहानी का ये बैकड्रॉप या गेम का या एनिमेशन का ये बैकड्रॉप हो गया है। तो
तो ये है स्प्राइट, ये है स्टेज, और स्टेज में बैकड्रॉप। और फिर इधर लेफ्ट की तरफ देखें तो ये जो ब्लॉक्स हैं, ये जो हैं ये प्रोग्रामिंग ब्लॉक्स हैं। तो मोशन, मोशन में अलग अलग जो भी यहाँ इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं कि मूव 10 स्टेप्स, टर्न राइट 15 डिग्रीज, टर्न लेफ्ट 15 डिग्रीज, इस तरीके का। तो ब्लॉक बेस्ड प्रोग्रामिंग का फ़ायदा यह है कि अगर आप सरल अंग्रेजी समझते हैं तो आप बहुत आसानी से चीज़ें प्रोग्राम कर सकते हैं। आपको जावास्क्रिप्ट, सी, सी प्लस प्लस, इस किस्म की कोई लैंग्वेज जानने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट स्क्रैच में ये इंस्ट्रक्शंस जो हैं, ये कमांड जो हैं, ये भी कई और भाषाओं में भी उपलब्ध हैं। ये वीडियो बनाते वक्त अभी हिंदी का इसका वर्जन नहीं आया है, तो हम इंग्लिश का ही वर्जन यूज़ करेंगे। तो अब प्रोग्रामिंग जो है वो बहुत सरल है। जैसे मान लिया जाए कि मेरी ये एक स्प्राइट है, ये बिल्ली। तो अगर मैं यहाँ से मोशन में जाके मूव 10 स्टेप्स कमांड लाता हूँ, तो मैं दबाता हूँ इस बटन को, तो जितनी बार दबाता हूँ उतनी बार मेरी बिल्ली जो है वो 10 कदम आगे बढ़ जाती है। इसकी मैं वैल्यू बदल सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे 30 कदम कह देता हूँ, तो जितनी बार मैं दबाऊँगा मेरी बिल्ली 30 कदम आगे बढ़ जाएगी। और इसी तरीके से अगर मैं ये ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ से पिक किया और ये प्रोग्रामिंग एरिया में इसको ड्रॉप किया, तो यहाँ इसको क्लिक करता हूँ तो मेरी जो बिल्ली है वो 15 डिग्रीज जो है वो राइट की तरफ मुड़ जाती है। या अगर मैं 15 डिग्रीज लेफ्ट लाया तो ये 15 डिग्रीज जो है वो लेफ्ट मुड़ जाएगी। तो ये तो मोशन या मूवमेंट रिलेटेड जो हैं ये प्रोग्रामिंग ब्लॉक्स हैं। इसी किस्म से लुक्स का ब्लॉक है, जिसमें जो हमारे कैरेक्टर हैं वो बोल सकते हैं, या उनकी कॉस्ट्यूम जो हैं वो हम बदल सकते हैं, उनका साइज बदल सकते हैं, कलर बदल सकते हैं इत्यादि। इसी तरीके से हम स्क्रैच में बहुत सारी साउंड्स ऐड कर सकते हैं। और फिर प्रोग्रामिंग के जो एडवांस चीज़ें होती हैं वो भी यहाँ उपलब्ध हैं, जैसे ये रिपीट 10 टाइम्स यानी लूप, या फॉरएवर लूप, या कंडीशनल स्टेटमेंट्स, इफ देन स्टेटमेंट्स, इस तरीके के। और एक जो बहुत पावरफुल चीज़ है स्क्रैच की, वो है सेंसिंग, यानी कि हम इसको प्रोग्राम कर सकते हैं एज इफ हमारी जो भी कैरेक्टर्स या जो भी और एलिमेंट्स हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं, उनकी उनको छूने से क्या होगा। तो ये गेम्स बनाने में बहुत काम आएगी। ये हम एडवांस चीज़ें जो हैं ये आगे जाके देखते हैं।